ये बकरा भाई 1 लाख का भाई। ये 1 लाख है? हाँ जी। ये पढ़िया लिखिया? पढ़िया लिखे ने अनपढ़िया था। 10 किलो क्यों कल ही खा गया करमाला? किलो तुसी भी खा लो। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आकिब तारिक, आप देख रहे हैं फोर न्यूज़ पाकिस्तान। आज हम जो है ना एक बकरा मंडी में मौजूद हैं जो कि रिंग रोड के करीब लखौर डैर कहलाता है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने मंडी का आगाज़ किया गया है, जहाँ पे क्योंकि बड़ी ईद की आमद है, हर एक किसी ने जो उम्मत मुस्लिम है उन्होंने अब ये कुर्बानी जो है करनी होती है। आज जानेंगे इनसे कि मंडी का रेट क्या निकला है, आइए लोगों से पूछते हैं। काफ़ी सारे जानवर रखे हुए हैं, इनसे पूछेंगे कि इनका रेट और इनको यहाँ पे मंडी जो आपके गवर्नमेंट ने आगाज़ किया है तो क्या क्या तहफ़ दिया है इनको। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम फ़ारूक आज़म है। अच्छा फ़ारूक सर, ये बताइएगा कि आज जैसा कि मंडी का आगाज़ कर दिया गया है तो कैसा का आपको महसूस हो रहा है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी तावन किया? जी हाँ, गवर्नमेंट तावन कर रही है लेकिन इस दफ़ा लेट कर रही है कोरोना की वजह से। अभी कोई वाशरूम नहीं है, खुरली नहीं है, बोर नहीं है, अभी आज काम शुरू हुआ है मेरे ख्याल में सोलन का, तो अभी देखते हैं 1-2 दिन में मुकम्मल हो जाता है। तो कोई कस्टमर वगैरह आ रहे हैं काफ़ी या अभी कोई काफ़ी कम ही आ रही है? हम भी कल ही आए हैं, कस्टमर शुरू हो गए हैं आज, माशाल्लाह 5 बेचे हैं, तो अभी इस दफ़ा रेट तो ज़्यादा है, कस्टमर का जहन नहीं बन रहा। अभी जहन नहीं बन रहा महंगाई की वजह से। तो कितने का आप मतलब कि एक बच्चा जो होता है वो कितने का बेचते हैं? डिफरेंट किस्म के मेरे रेट हैं, उसमें 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। 2 लाख? 2 लाख वाला काम? 2 लाख वाला तकरीबन वो ये इसका क्या रेट है? ये हमारे इस इसका 3 लाख रुपये। इसका 3 लाख? 3 लाख रुपये। ये कितने मन का है ये तकरीबन? इसमें जो है ना मीट वेट वो होगा तकरीबन 6 से 7 मन। 6 से 7? हाँ जी। और उम्र में ये है अभी 2 दांत। अभी 2 दांत? 2 दांत है जी। इस दफ़ा महंगाई ज़्यादा है, पिछली दफ़ा गंदम थी वो 1200-1400 रुपये, इस दफ़ा 2022 रुपये है। और जो मजदूर हैं उनकी मजदूरी भी ज़्यादा है, हर चीज़ की महंगाई है। इस दफ़ा तकरीबन जानवर जो है ना 50% ज़्यादा है पिछली दफ़ा से। अगर पिछली दफ़ा किसी ने लाख का लिया, इस दफ़ा 1.5 लाख का है। इस बार 1.5 लाख? 1.5 लाख का इंशाल्लाह। तो गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगे? गवर्नमेंट को कोई नहीं पैगाम देंगे, गवर्नमेंट को किसको पैगाम देंगे? एक कोई सुनने वाला है? कोई सुनने वाला? कोई सुनने वाला नहीं है, सबको अपने कह रहे हैं बड़ा तहफ़ दिया हुआ है मंडियों में जो कि मंडी का आगाज किया गया। चलो तहफ़ तो है, अभी अभी तो शुरू हुआ है, देखते हैं क्या तहफ़ देते हैं। अभी तो उन्होंने काम शुरू किया आज, तो आगे देखते हैं क्या तहफ़ देते हैं, जो तहफ़ आएगा तो फिर बताएं देंगे क्या तहफ़ मिला है। नाज़रीन जाना कि जो कि मंडी में आगाज़ तो कर दिया गया पर अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इतना क्योंकि रिलीफ नहीं मिला, तो आगे चल दिया आगे शो से भी बात करते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे जो कस्टमर आए हुए हैं इनसे पूछेंगे कि इनको कैसे अच्छा लगा कि यहाँ पे आके मंडी में क्या रेट निकले। जी सामने। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हारून। हारून, ये बताइएगा कि जैसे कि मंडी का आगाज़ कर दिया गया है क्योंकि बकरा ईद की आमद है, तो आपका क्या माइंड बना के आप यहाँ पे आए हैं कि बकरा ईद की वही रेट निकले हैं पिछले या इस बार महंगे? नहीं, इस साल तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, जो हम माइंड बना के हैं उससे तो समझ लें डबल ही पैसे वो मांग रहे हैं। अच्छा, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई सौदा होगा, तो हम लोग तो एंड पे पूरी मार्केट फिरने के बाद अब ये सोचे थे कि वापस चले जाएं यहाँ से और जाके कोई राइवेंड वाली साइड पे कहीं पे देखें, यहाँ पे कोई सौदा होता नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे कितना रेट निकला है कि आपका क्या माइंड था यहाँ पे? हम बकरा लेने आए थे और मेरी रेंज थी कि तकरीबन जो है 40-1 हज़ार में कोई बकरा मिल जाए। अच्छा। लेकिन जो मिनिमम बकरा है वो 70-1 हज़ार से कम तो कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पे। जो बकरा 30-35 हज़ार रुपये वाला है वो उसका 90-90 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। काफ़ी महंगा है? बहुत महंगा है। हाँ जी। तो आपने सारा सर्वे कर लिया? जी सारा सर्वे कर लिया, बड़ा जानवर भी हमने देखा था और बड़े जानवर की ये सिचुएशन है कि उसमें हमने एक देखा है तो वो मिनिमम जो है वो 1 लाख रुपये है, 1 लाख रुपये से ऊपर की बात है, नीचे कोई बात नहीं कर, नीचे कोई चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट को क्या पैगाम? यही रहेंगे कि जो है ये सुन्नत इब्राहिमी है तो इसमें लोगों के लिए आसानी पैदा की जाए ताकि जो है वो कुर्बानी का फरीज़ अंजाम दे सकें। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर कोई भी बंदा जो है कुर्बानी नहीं कर सकता और अपना फ़र्ज अदा नहीं कर सकता इस मामले में। देखे ना कि गवर्नमेंट आप आए हैं सुबह से मंडी में आए हुए हैं तो देखो मट्टी आपने काफ़ी ज़्यादा देखी हुई, कोई रिलीफ नहीं दिया इसके बारे में क्या? इसमें तो मेरे ख्याल में कि गवर्नमेंट का इस साइड पर कोई रुझान नहीं है और कोई किसी को कुछ नहीं पता, बस आ रहे हैं, बहुत मिट्टी इकट्ठा है और बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पे, मतलब आके समझे आप बीमार होकर वापस जाएंगे। और ये कोरोना वाले जो आप कहें ना कि उसके SOPs उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा और सारी और नॉर्मल सिचुएशन चल रही है इधर, बड़े बुरे हालात हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना कि जहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं और रेट इस बार के ऐसा है कि बंदा हाथ नहीं लगा सकता। आगे चलते हैं, किसी और से भी पूछते हैं। आइए जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, असी तो मंग रहे हैं ना को 4,20,000 रुपया जोड़ी का,
दोवे दोंदे बच्चे ने ते सांभे ने माशाल्लाह घर दे ने ते भैया जी सानू ला रहे ने 3 लाख रुपया अगों वेखो जो उन्होंने नसीबा दे विच होई कुरबानी इन्हां दी ते उन्होंने लै जानी है जे उन्होंने ना नसीबा च होई भावें जो मर्जी करिए पै तो ये नहीं सी उन्होंने मुकदरा जो लेकिन अल्लाह ताला उन्होंने नसीब चंगे करे तो असा भी खर्चे भरे ने इन्होंने मेहनत की है तो साल पूरा इन्होंने सामभीता है पट्ठे दत्थे वंड छंड हर चीज़ की इन्होंने पाई दी है काम पे वो जिन्होंने पाई ए अजय सौदा हो रहा लिए नहीं भाई यार इधर ने गया है हाँ जी आप भी साथी हैं इनके तो क्या आपने ये सौदा किया हमने 2.90 लगाया है इनको तो अब देखो ये क्या कहते हैं आपका क्या जहन है हमारा तो जहन है 4 लाख के बिक जाए तो चलो लेकिन एक किसी बंद करना ही पैंता हजार फिर करना ही पैंता 2-4 हज़ार 10 हज़ार की कि गल है फिर हजार करो ना थोड़ा थोड़े रेट भी 10 हज़ार और कट देने 4 लाख के बिचों आपका क्या जहन है हमारा जहन ठीक है बोले हैं और नहीं थोड़े ने तो थोड़े ने वेखो जानवर भी माशाल्लाह वेखो ना किड्डे प्यारे जानवर ने जो पूरी मंडी का शिंगार है फिर भी इनू भाई ना लाया चाचा इनू खवांदे रहे हैं 10 किलो घ्यो कल्ला ही खा गया करमाला हूं तो 1200 दा किलो घ्यो होया किलो तुसी भी खा देना मैं इनू दिंदे नहीं ना इन्हां करमाला ने पालीदा ते आ सानू ना भी लभे खा गुजारा हो जांदा ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਨਵਰ ਬੜਾ ਜਾਨਵਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤਫਸੀਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਕਰੋ ਭਾਜੀ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਲਿਆਂਦਾ 16-17 ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੀ ਬਜਟ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5-6 ਜਾਨਵਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮਨਾਫਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਮ ਫਾਈਨਲ ਰੇਟ ਕੀ ਦੱਸੋ खर्चे नी पूरे होंगे साडा 4 लाख दे विचों 20 हज़ार रुपया इन्हां नूं छोड़ कर देने हां 20 हज़ार रुपया पूरा छड्ड दित्ता 4 लाख दे विचों 20 हज़ार रुपया जानवर ने दोवे कोई मुल नहीं है कि गद गल जे तो सानू 4 लाख दे विच भी ले जान ना ते इन्हां नूं लोकां आखना कि सस्ते ले आए ने आ मार्केट दे लिहाज नाल ना ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਕਿ ਸਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਮੋਹਤ ਲੈ ਹਾਂ ਵੇਖੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਗਲੀ ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਮੋਹਤ ਹੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਆਖਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ ਅੱਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਜੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 20,000 ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਆ ਵੇਖੋ ਚਿੱਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਕੰਜਲ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕੰਨ ਕਾਲੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਵੇਖੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦਾ ਸਮਝ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਘੱਟੇ ਦਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਸੌਦਾ ਹੀ ਹੋਣ ਦਿਆ ਸੌਦਾ ਹੋਣ ਦਿਆ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 10,000 ਹੋਰ ਨਾ ਦੇ ਆ ਜੇ 30,000 ਰੁਪਇਆ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋੜ ਹੋ ਗਈ ਜੀ 30,000 ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜ਼ੇਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੰਨਾ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਵੇਖਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਮਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਥੋੜਾ ਉਹ ਬਿਆਨਾ ਵੀ ਫੜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨਾ ਫੜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3 ਲੱਖ 10,000 ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਜਾਤੀ ਫਿਰ ਆਖਰਲਾ ਰੇਟ ਆਖਰਲਾ ਰੇਟ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਦਸਨਾ ਹਰਲਾ ਰੇਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦਾ ਖਰਲਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਬਿਆਨਾ ਚਲੋ 5000 ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੱਟ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ 5000 ਹੁਣ ਇੱਥੇ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਘਰ ਦੀ ਜੋੜੀ ਆ ਜਾਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 3,65,000 ਹਾਂਜੀ 3,65,000 ਦੀ ਕੀ ਮਾਈਂਡ जानवर भी झाती तुम भी मारो ना झाती जे जायज है तो ठीक है मैं दे देना लेकिन जायज नहीं जायज नहीं 3-10 कह दिया बस फाइनल 3-5 इतने का नहीं होगा ठीक है ठीक है हाँ ठीक है ठीक नहीं ना तुहानू ठीक लगता सानू नहीं ना लगता जे के सानू देखो उन्हां दा ओह साहब लैंड है ना जड़े उन्हां नू हचे लगता पूरी मंडी मार्केट उन्हां भी फ्री है साडा हां जी ते उन्हां भी मार्केट फ्री है असीं भी मार्केट विच साडे नाल दा पूरे अड्डे दे विच कोई मुल्ल इन्ना दसे ना
दसा जे असी सब तो घट रेट ना देने जानवर के यार कोई लाया सू 1000, 2000, 3000 भी बचत मिल जाए जानवर की तो अं जानवर फरोख कर देने कह रहे हो कि आखरला रेट दसो इन्हों फिर दसो आखरला नहीं आखरला रेट मेरे को ना हर पुछना अच्छा जी जो कहता इन्हों चलो जी थोड़ी आते जो 5000 रुपया होर रैत कर दी 60 कर दिता 360,000 फाइनल जी नाज़रीन आपने देखा कि जो कि फाइनल 360,000 रुपये इन्होंने लगा दी है पर ये सौदा नहीं हुआ क्योंकि जानवर बहुत महंगा है इस बार आगे चलते आगे किसी और से भी पूछते हैं अपन जी नाज़रीन जैसा कि ये जानवर आप मेरा कैमरामैन दिखाया कि ये जानवर इन्होंने लिया है इनसे पूछेंगे कि इन्होंने कितने का लिया और इनका क्या रेट बना है जी अस्सलाम वालेकुम ये सर जी हमने 240 का लिया है 240 का 42 का 2,42,000 का तो बताओ कितने रेट है व्यापारी 5.5 लाख 5.5 लाख हाँ जी 5.5 लाख बता रहे ये कितने मन का ये तकरीबन है 12 मन का 12 मन के माशाल्लाह अच्छा मिल गया जी माशाल्लाह बहुत प्यारा तो इस बार क्या क्या रेट निकले आपका माइंड क्या कहता है कि इस बार महंगाई बहुत ज़्यादा ये महंगाई बहुत ज़्यादा इस वक्त ये तकरीबन हमें 40,000 रुपया फालतू दिया इनको ज़्यादा दिया 40,000 पिछले साल से ना ज़्यादा दिया इनको तो गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगे गवर्नमेंट को यही पैगाम देंगे कि महंगाई को ख़त्म करें और हमारे साथ जो गरीब आवाम के साथ तावन करें जो ये महंगाई है टूटे बस यही पैगाम है उनके लिए और तो कुछ भी नहीं जी नाज़रीन आपने देखा कि ये इन्होंने जानवर जो ना लिया आगे चलते हैं यार किसी और से भी बात करते हैं जी नाज़रीन जहाँ के आपने बड़े जानवर भी देखे और जहाँ पे जो बकरे भी मौजूद हैं इनसे पूछेंगे कि बकरों का क्या रेट है और ये जहाँ पे कस्टमर आ रहे हैं बकरे लेने या नहीं जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम भाई क्या नाम है मुमताज़ भाई मुमताज़ भाई हाँ जी तो क्या आपने ये बकरे रखे हुए हाँ जी बकरे कस्टमर आ रहे हैं हाँ जी आ रहे हैं तो क्या मंडी का रेट वगैरह निकला रेट का निकला है कोई 50 के 40 50-40 हाँ जी ये कितने का ये बकरा भाई 1 लाख ये 1 लाख है हाँ जी ये पढ़िया लिखिया पढ़िया लिखे नहीं अनपढ़ था अनपढ़ हाँ जी 1 लाख रुपए का ये बकरा हाँ जी महंगा ही नहीं भाई इमरान खान की हुकूमत है इमरान खान की हुकूमत हाँ जी इतना महंगा इतना बड़ा महंगा ये तो 1 लाख का कोई नहीं लेगा क्यों नहीं लेगा भाई 2 लाख ही बकरा लेगा क्या 2 लाख हाँ जी वजन भी इतना कम है तो 2-1 लाख अच्छा जी महंगाई तो काफ़ी है ज़्यादा तो हाँ जी नाज़रीन यहाँ पे जो कस्टमर आए हुए हैं इनसे पूछेंगे कि ये इनका क्या माइंड है यहाँ पे आने का और कितना इनको रेट मिला है जी सामने वालेकुम सलाम जी सर आपका नाम मेरा नाम नदीम है नदीम सर ये बताइएगा यहाँ पे क्योंकि मंडी का घास कर दिया गया है और बड़ी ईद की आमद आमद है कुछ ही दिन रह गई हैं तो आपका क्या जहन है यहाँ पे आके अभी वो नई नई मंडी लगी है ना तो वो रेट जो है ना वो बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं तो जाहिर है जब कुछ दिन गुजर जाएंगे ये भी तो थक जाएंगे थोड़े से तो फिर रेट जो है नॉर्मली हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता तो आप क्या लेने आए हैं हम भी बकरे लेने आए हैं बकरे लेने आए हैं अभी तो रेट बहुत ज़्यादा बता रहे हैं वो कितना बताया रहे हैं वो 80-85 बताते हैं एक बकरे का जो मेरे ख्याल में जो 50 से ऊपर नहीं है ठीक है तो नहीं बना अब हर बंदा अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ही लेगा ना रेट तो देख रहे हैं अभी जो अल्लाह का मंजूर अल्लाह ताला से उम्मीद है इंशाल्लाह क्या गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगे इतनी महंगाई के यार महंगाई देखें हर बंदा ही परेशान है महंगाई की वजह से कस्टमर कोई है नहीं पूरी जो है मंडी खाली पड़ी है आपके सामने ठीक है तो ये सारे महंगाई की का तोहफा ही है जो इस ये हालात बन गए हैं इस वक्त और एक नॉर्मल आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गई है जी नाज़रीन आपने देखा कि यहाँ पे महंगाई काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मंडी का आगाज़ कर दिया गया है कुछ दिनों तो महंगाई काफ़ी रहेगी आगे चलते आगे किसी और से भी बात करते हैं जी ना बकरे जो के व्यापारी खड़े लेके खड़े हुए हैं इनसे पूछेंगे कि मंडी में गवर्नमेंट ने क्या सहूलियात दी हैं जी सामने को वालेकुम सलाम क्या नाम मोहम्मद रफी खान मोहम्मद रफी ये बताइएगा कि जैसा कि मंडी का आगाज़ कर दिया गया है गवर्नमेंट ने क्या रिलीफ दिया में तो कोई सहूलियात तो मसला देखा जाए तो सहूलियात ये दूर ही बहुत ज़्यादा है इधर पानी की सहूलियात होनी चाहिए सबसे पहले तो पानी की सहूलियात होनी चाहिए कि पानी होना चाहिए क्योंकि जानवर आते हैं पानी पीने हैं उन्होंने सांस भी लेना है पानी कोई छाँव यही सहूलियात होनी चाहिए और क्या आवाम को सहूलियात तो यही है ना कि धूल से ज़्यादा अभी मैंने देखा है यहाँ पर मिट्टी वगैरह काफ़ी मिट्टी बहुत ज़्यादा है धूल बहुत ज़्यादा है
तो लोग पानी अपना साथ लेके, पानी तो हम साथ लेके आए हैं, हम भी लेके आए हुए हैं, गाड़ी में पड़ा हुआ है पानी, रिश्के में पानी पड़ा हुआ है पीने के लिए, इनके जानवरों को पानी पिलाने के लिए। इधर कोई पानी की सहूलियात नहीं है। तो जो कस्टमर आ रहे हैं तो उनका क्या माइंड है कि वो आके कितना वो लेके, 22,000 लगा रहे हैं, कोई 25,000 लगा रहा है, इतना माइंड तो नहीं आ रहा है। कितने का आप लगा? हम तो 80,000 मांग रहे हैं। 80,000? हाँ जी। तो अभी तक नहीं आया? नहीं, कोई नहीं है अभी तक तो, कोई नहीं। काफ़ी ज़्यादा महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि कुछ कह नहीं सकते, आसमान को छू रही है महंगाई। गवर्नमेंट को क्या पैगाम दें? गवर्नमेंट को यही पैगाम है कि कोई सहूलियात तो दें, कोई तो रिलीफ दें हमें, क्योंकि हम जो है ना इतनी गर्मी में इधर खड़े हुए हैं, अभी ये 6 बज गए हैं, 6:30 बज गए हैं, कोई सहूलियात नहीं है, कोई सहूलियात। जी नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे जो कि सहूलियात नहीं दी जा रही गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे जो लोग हैं वो खुद खुद पानी का इंतज़ाम कर रहे हैं, क्योंकि पानी की भी सहूलत मौजूद नहीं है, कुछ ने स्टाल खुद लगाए हुए हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको जो है ना मंडी में पानी की सहूलियात दी जाए, इनको बोर वगैरह किया जाए और पानी का इंतज़ाम किया जाए। अपने मेज़बान आकिफ तारी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।